नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट पहले 15-16% हुआ करते थे, आज के तारीख में 7% है। तो क्या कारण है कि बैंक एफडी के रेट गिरते 15-16% से गिरते 7% पे आ गए हैं, ठीक है? तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा और भी बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पेरेंट्स ने 15-16% की भी बैंक एफडी देखी है, बट आज के तारीख में बैंक एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो सिर्फ 7% मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है डेवलपमेंट। जैसे जैसे जिस भी कंट्री में डेवलपमेंट होता चले जाता है, उस कंट्री के बैंक एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते जाते हैं। अब थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है कि डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इससे बैंक एफडी के रेट नीचे कैसे आ रहे हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, एलेबोरेट करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि रोड्स बनना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, ब्रिज बनना, ये तो है डेवलपमेंट का मतलब, ये तो है। बट इसके अलावा मेन जो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी इनकम बढ़ना, हमारे देशवासियों की इनकम बढ़ना, ठीक है, और हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी इनकम बढ़ना, ठीक है। तो बैंक भी हमारे देश की कंपनी है, तो बैंकों की भी इनकम बढ़ रही है। बैंक पहले जितना पैसा कमाते थे, आज के तारीख में उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। बैंकों के पास में पहले कम पैसा हुआ करता था, इसीलिए बैंक आपसे एफडी लेता था, आपसे पैसा मांगता था, क्योंकि बैंकों का जो काम है वो लोन देना है। सामने बैंक लोन देता है, लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंकों की वही तो कमाई है। तो बैंकों के पास में पहले पैसा कम हुआ करता था, इसीलिए वो आपसे मांगता था और सामने लोन देता था, ठीक है, आपको 15-16% तक इंटरेस्ट देता था, क्योंकि बैंकों को पैसे की जरूरत थी। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बैंकों की जेब भर रही है, बैंकों के पास में ज्यादा पैसा आ रहा है, बैंकों को आज के तारीख में आपको उतनी पैसे की जरूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इसीलिए बैंक आज के तारीख में आपको सिर्फ 7% इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि बैंक ये बोल रहा है कि हमारे पास में इतना पैसा है कि हम लोन दे सकते हैं, हम आपको आज के तारीख में बैंक एफडी पे सिर्फ 7% इंटरेस्ट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और आने वाले दिनों में इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, डेवलपमेंट इंडिया में होता चला जा रहा है, तो इंडिया डेवलपिंग नेशन है, एक ना एक दिन इंडिया भी डेवलप कंट्री बनेगा अमेरिका की तरह, ठीक है। तो बैंक एफडी के रेट इंडिया में और भी ज्यादा नीचे आएंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है कि बैंक एफडी के रेट 2-3% तक चले जाए आने वाले दिनों में, मतलब 15-20 साल इसमें लगेंगे, ठीक है, इंडिया तब तक डेवलप हो जाएगा। तो बैंक एफडी के रेट डेवलपमेंट के साथ में नीचे आते जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बैंक है उनकी भी इनकम बढ़ते चले जाएंगी आने वाले। हो सकता है कि 15-20 सालों में बैंकों की झोली इतनी ज्यादा भर जाए, बैंकों की जेब इतनी ज्यादा भर जाए कि बैंकों को आपसे पैसा लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी सामने लोन देने के लिए, क्योंकि बैंकों के लिए तो खर्चा है ना, आपसे एफडी लेता है बैंक, उस पर इंटरेस्ट देता है, तो बैंक के लिए खर्चा है। तो बैंक ये खर्चा क्यों करेगा जब उसके पास में सफिशियंट फंड रहेगा, सफिशियंट पैसा रहेगा सामने लोन देने के लिए, तो वो उसी में से लोन दे देगा, आपसे पैसा क्यों मांगेगा, क्यों खर्चा करेगा बैंक एफडी पे, ठीक है। तब फिर बैंक आपसे बोलेगा कि हमको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, बैंक ये बोलेगा अगर आपको पैसा रखना है हमारे पास तो 2% हम एफडी पे आपको रिटर्न देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होने वाली है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में आज के तारीख में बैंक एफडी पे क्या रिटर्न मिलता है, 2-3%। इसका मतलब यही है कि अमेरिका में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, इंडिया में भी हो सकता है कि 15-20 सालों में इंडिया भी वहां पहुंच जाए जहां आज अमेरिका है, तो इंडिया में भी बैंक एफडी के रिटर्न जो रहेंगे वो 2-3% पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर मैं जापान की बात करूं, तो जापान में आज की तारीख में बैंक एफडी पे जो रिटर्न मिलता है वो नेगेटिव में मिलता है, मतलब माइनस में मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम जापान के बैंकों में पैसा रखते हैं तो हमें फीस देनी पड़ती है, पैसे रखने की भी फीस देनी पड़ती है। तो ये कंडीशन है जापान में, मतलब इतना ज्यादा डेवलपमेंट जापान में हो चुका है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमको, कि हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज के तारीख में तो ठीक है 7% बैंक एफडी पे रिटर्न मिल रहा है, बट आने वाले 15-20 सालों में इंडिया में डेवलपमेंट हो गया और बैंक एफडी के रिटर्न 2% पे चले गए, तो फिर हम एफडी पे रिटर्न कैसा कमाएंगे, ठीक है, हमारी इनकम कैसी होंगी एफडी पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है। अगर बैंक एफडी के रेट 7% से गिरते 2% पे जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेंगी। ये तभी होगा जब हमारा देश और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ये तभी होगा जब हमारे देश में पैसा और ज्यादा आएगा, हमारे जेब में पैसा और ज्यादा आएगा, हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। आज आप खुद ही देखिए ना, हम जो आज की तारीख में पैसा कमाते हैं, पहले से ज्यादा पैसा कमाते हैं पहले 15-20 साल पहले हम जो पैसा कमाते थे उससे, उसके मुकाबले आज हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि हर किसी को अपनी इनकम कम लगती है, बट ये तो सच है कि हम पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हम पैसा कमाएंगे, क्योंकि इनकम लोगों की बढ़ने ही वाली है। क्योंकि इंडिया जैसा जैसा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ने ही वाली है, कंपनियों की इनकम बढ़ने ही वाली है, ठीक है।
तो कंपनियों की आज की तारीख में हम एक एग्जांपल हम समझते हैं, अगर देखिए हमारा नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होने वाला, अगर बैंक एफडी के रेट 7% से 2% पे जाते हैं तो किसी भी तरीके से हमारा नुकसान नहीं होने वाला। देखिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर आज हमारी कैपेसिटी एफडी रखने की जो कैपेसिटी है वो 1,00,000 रुपये की है, मतलब हम इतना कमाते हैं कि 1,00,000 रुपये की हम बैंक एफडी कर सकते हैं। अगर आप बैंक एफडी 1,00,000 रुपये की करोगे तो साल का आपको कितना रिटर्न मिलेगा आज के तारीख में 7% के हिसाब से 7,000 रुपये। आने वाले मान लो 15-20 सालों में आपकी जो बैंक एफडी रखने की जो कैपेसिटी रहेंगी वो बढ़ जाएंगी, वो 5,00,000 रुपये की हो जाएंगी। ठीक है, उस समय आपकी इनकम इतनी रहेंगी कि आप 5,00,000 रुपये की बैंक एफडी लगा सकोगे। ठीक है, आपने 5,00,000 रुपये की बैंक एफडी लगाई और 2% पे लगाई तो उस पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा साल का 10,000 रुपये। ठीक है, मतलब आज के तारीख में आप 7,000 रुपये कमा रहे हो एफडी लगा के, 15-20 साल के बाद में आप 10,000 रुपये कमाओगे एफडी लगा के। ठीक है, तो आप उतना ही कमा रहे हो, तो आपकी कमाई बिल्कुल भी कम नहीं हो रही बल्कि आप ज्यादा ही कमाओगे। ठीक है, डेवलपमेंट की तरफ जब हमारा देश बढ़ेगा तो आप ज्यादा ही कमाओगे, तो बिल्कुल भी हमें इसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो ये चाहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और डेवलपिंग से हमारा देश डेवलप कंट्री बन जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बैंक एफडी के रेट नीचे क्यों आते हैं डेवलपमेंट की वजह से, और ये नीचे आना बैंक एफडी के रेट ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, ये पॉजिटिव बात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।